हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाला नाश्ता की रेसिपी। फ्रेंड्स, इसे बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही ये टेस्टी लगता है। आप इसे शाम के चाय में या बच्चों को स्नैक्स के रूप में इसे सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी मैं लेफ्ट ओवर ब्रेड से बनाने वाली हूँ। अगर आपके घर में बचा हुआ ब्रेड है और उसे काफ़ी टाइम हो गया कोई यूज़ नहीं करना चाहता है, तो उस ब्रेड को आप बिल्कुल मत फेंकिएगा और उसे आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 क्यूब्स चीज़ लिया है, 1 मीडियम साइज़ का चॉप करके प्याज, 1/2 शिमला मिर्च चॉप करके ले लिया है, स्वाद के अनुसार नमक यूज़ करेंगे, तीखा के लिए रेड चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर देने के लिए इसमें हम पेरी पेरी मसाला यूज़ करेंगे। पेरी पेरी मसाला की जगह आप चाट मसाला का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 8 पीस ब्रेड का लिया है। मेरे पास ये व्हाइट ब्रेड इतना बचा हुआ था तो हम इसका यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास फ्रेश ब्रेड है फ्रेंड्स तो आप उससे भी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड को इस तरह से रफली तोड़ लेंगे। हमें इसे ग्राइंड नहीं करना है और ना इसका ब्राउन पार्ट हमें रिमूव करना है। तो हाथों से ही हम इस तरह से रफली इसे तोड़ करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे ब्रेड को देखिए तोड़ करके रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे हमने ले लिया है नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 1 से 2 बड़े चम्मच इसमें हम पानी ऐड करेंगे और पहले से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ब्रेड बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो पहले इस तरह से इसे मिक्स कर लें और उसके बाद इसे हाथों से मिक्स करें। इससे पानी का आइडिया हो जाएगा कि हमारे ब्रेड में और कितना पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें जितना पानी ऐड किया था उतना पानी काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। और जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स इसे टाइट डो लगाएं, क्योंकि इसमें हम सब्जियों का यूज़ करेंगे और सब्जी अपना मॉइस्चर रिलीज़ करती हैं, जिससे डो फ्रेंड्स थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसमें हम बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दिए हैं, और इसी के साथ इसमें हम चॉप किया हुआ शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। इसमें हम बारीक चॉप करके गाजर ऐड कर सकते हैं और बारीक चॉप करके इसमें बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इसमें चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड कर दिए हैं चिली फ्लेक्स। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स तो आप तीखा इसमें थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और अब इस नाश्ते को चटपटा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1.5 टीस्पून पेरी पेरी मसाला, और इसे हम थोड़ा सा चीज़ी फ्लेवर देने के लिए इस तरह से ग्रेट करके क्यूब्स चीज़ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 2 क्यूब चीज़ का यूज़ कर रहे हैं और इस तरह से इसे ग्रेट करके हम एक ऐड करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का आलू ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। इससे हमारा जो नाश्ता बनेगा ना बहुत ही चीज़ी बनेगा, और थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है ना चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो इस तरह से अब हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से हाथों को चिकना कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा हम डो लेंगे। और इसका आप चाहें तो राउंड शेप में बॉल्स बना सकते हैं इसके, या फिर चपटा इसे टिक्की शेप दे सकते हैं। मैं इसे इस तरह से रोल शेप में बना रही हूँ, तो इस तरह से सिलेंडर शेप देंगे। और इसी तरीके से हम सारे नाश्ता बना करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। तो सेम प्रोसेस से हम सारे यहाँ पे बना करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 बना करके रोल रेडी कर लिया है। अब इसी तरीके से हम सारे रोल बना करके यहाँ पे देखिए रेडी कर लिए हैं। तो अब हमारा यहाँ पे नाश्ता जो है ना बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। गैस पर हमने रख दिया ऑयल। ऑयल हमारा पहले से ही गर्म हो गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इस नाश्ते को हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हम एक एक इसमें ऐड कर देंगे। तो कढ़ाई में जितना पीसेज आ जाए फ्रेंड्स आप उतना इसमें ऐड कर लें। तो यहाँ पे हमारा कढ़ाई में जितना आ गया है उतना इसने ऐड कर दिया है। गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखें, लो मीडियम फ्लेम से फ्राई करेंगे। तो जब ऊपर से ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाए फ्रेंड्स, इस तरह से हम स्पून की हेल्प से इसे अलग कर लेंगे ताकि ये चिपके ना। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसे पलटते हुए हम दोनों साइड से गोल्डन क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखा आपने फ्रेंड्स इसे बनाना कितना आसान है, बहुत इजीली कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है। इसमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है ना गोल्डन क्रिस्प फ्राई हो चुका है। तो बस इस तरह से हम इसे ऑयल से फटाफट निकाल लेंगे और एक हम टिश्यू पेपर लगा लेंगे प्लेट पर, और इस तरह से हम सारा नाश्ता उसमें निकाल लेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए। और सेम प्रोसेस से हम सेकेंड बैच का भी नाश्ता जो है ना फ्राई करके रेडी कर लेंगे।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने सारा नाश्ता जो है ना वो बना करके रेडी कर लिया है और बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी ये नाश्ता बन के रेडी होता है। तो आप इसे फ्रेंड्स टोमेटो केचप के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व करें, बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बच्चे इसे स्नैक्स के रूप में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बड़ों को आप चाय के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, सिंपल है, इसे घर पर आसानी से बना करके इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया तो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, हम मिलते हैं ऐसी न्यू रेसिपी के साथ एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।